दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी न्यूज में। आज की इस वीडियो में बांग्लादेश, अमेरिका, फ्रांस और पाकिस्तान की धमकी से जुड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। सभी खबर बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं बांग्लादेश से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में। हाल ही में बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत संगठन यानी BJHM ने दावा किया है कि 5 अगस्त को शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद से 278 हिंदू परिवारों पर हिंसा और तोड़फोड़ की गई। इस हिंसा में 48 जिलों के हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। BJHM ने 5 अगस्त से 12 अगस्त तक हुई घटनाओं का विस्तृत विवरण जारी किया है। उनका कहना है कि बावजूद कई पीढ़ियों से बांग्लादेश में रहने के, हिंदू समाज आज भी डर में जी रहा है। BJHM के अध्यक्ष प्रभाष चंद्र रॉय ने कहा है, जब भी सरकार बदलती है हिंदू समुदाय को सबसे पहले निशाना बनाया जाता है। वे बांग्लादेश में सुरक्षा के साथ जीना चाहते हैं और उनके पास भी अधिकार है। वहीं हिंदू समाज की तरफ से 5 बड़ी डिमांड रखी गई है अंतरिम गवर्नमेंट के सामने, जिसमें हिंदू समुदाय पर हुए हमले की पूरी न्यायिक जांच, एक अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून और आयोग का गठन, मंदिरों और हिंदू समुदाय के घरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण, 2000 से अब तक अल्पसंख्यक उत्पीड़न की विस्तृत रिपोर्ट, दुर्गा पूजा के दौरान 3 दिन की छुट्टी, अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना, ये सभी डिमांड अंतरिम गवर्नमेंट के सामने हिंदू समुदाय की तरफ से रखी गई है, जो कि इस समय सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है। वहीं इसी बीच इलीगल तरीके से भारत में बांग्लादेशियों की घुसने की कई सारी खबर सामने आ रही है और इसी को देखते हुए भारतीय तटरक्षक बल की संख्या को बढ़ा दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के विमान, हॉवरक्राफ्ट और अन्य जहाज बांग्लादेश के समुद्री सीमा पर निगरानी कर रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य अवैध घुसपैठ को रोकना है। भारत ने भारी संख्या में हेलीकॉप्टर और जहाज की डिप्लॉयमेंट बांग्लादेशी सीमा पर कर रखी है, साथ ही BSF और आर्मी की संख्या को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। 1000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को, जो कि भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको वापस बांग्लादेश भेजा गया। इसके अलावा अगरतला रेलवे स्टेशन पर 16 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया, जो कि इलीगल तरीके से भारतीय सीमा के अंदर घुस आए थे। भारत की तरफ से ऑलरेडी वीजा वगैरह बांग्लादेशी लोगों को नहीं दिया जा रहा, यहाँ तक कि वीजा सेंटर को भी भारत ने बांग्लादेश के अंदर बंद कर रखा है। इसीलिए भारत लीगल या फिर इलीगल दोनों तरीकों से बांग्लादेशियों को अपने देश के अंदर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि अराजक तत्व भारत के अंदर आए और यहाँ का माहौल खराब करे। इसके अलावा भारत सरकार ने हाल ही में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो भारत बांग्लादेश सीमा की मौजूदा स्थिति पर नजर रखेगी। इस समिति का काम बांग्लादेश की संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत बनाए रखना है, ताकि सीमा पर भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हाल ही में दोनों देशों की सीमा सुरक्षा बलों ने 83 फ्लैग मीटिंग्स और 241 गश्त की है। ये बैठकें और गश्त सीमा पर सुरक्षा को बेहतर बनाने और किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए की गई। BSF ने बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बल BGB की भूमिका की तारीफ भी की है, खासकर तब जब उन्होंने 1500 बांग्लादेशी नागरिकों को भारत की सीमा के पास इकट्ठा होते देखा। BGB ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर इन लोगों को वापस लौटने के लिए मनाया। इसके अलावा BSF ने भी भारतीय गांवों में 232 मीटिंग की, ताकि स्थानीय लोगों को बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी जा सके और उनकी मदद ली जा सके। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश के लिए आवाज इस समय न सिर्फ भारत के अंदर से उठाई जा रही है, बल्कि पूरी दुनिया से बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाई जा रही है और अमेरिका अब काफी ज्यादा सख्त हो चुका है। रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने वाले विवेक रामास्वामी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर सवाल उठाया है। एक्स पर एक लंबे पोस्ट में कहा कि बांग्लादेश का कोटा सिस्टम, जो मूल रूप से 1971 के युद्ध के दौरान हुए बलात्कार और हिंसा के अन्याय को ठीक करने के लिए बनाया गया था, उसी ने अब 2024 में बलात्कार और हिंसा की नई घटनाओं को जन्म दिया है। बांग्लादेश को तुरंत बड़े कदम उठाते हुए हिंदुओं के ऊपर हो रही हिंसा को तुरंत रोकना चाहिए। इससे पहले भी अमेरिका के कई सांसद की तरफ से विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश के लिए दर्ज कराया जा चुका है। इंटरनेशनली इस समय बांग्लादेश के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है और पूरी दुनिया अब एक होकर बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़ी हुई
दिखाई दे रही है। हालात यह है कि जब पूरी दुनिया को एक होता हुआ और हिंदुओं के लिए आवाज उठाता हुआ देखा जा रहा है, तो अब कांग्रेस पार्टी से भी रहा नहीं गया और उन्होंने भी भारतीय हिंदुओं के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। साथ ही सरकार से उचित कदम बांग्लादेश के ऊपर उठाने के लिए भी कहा गया। हाल ही में बांग्लादेश के अंदर भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के सभी निशानों को मिटाने की कोशिश की गई, जिस पर कांग्रेस के लोकसभा सांसद और कूटनीति के जानकार शशि थरूर ने मुंह में राम बगल में छुरी की इस नीति को बड़ी बारीकी से उजागर किया। शशि थरूर ने साफ कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि बांग्लादेश भारत के साथ दोस्ती के सारे निशान मिटा दे और भारत के लोग चुपचाप देखते रहे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और उनमें भी खासकर हिंदुओं को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, वह काफी दुखद है। थरूर ने यहां तक कहा कि बांग्लादेश में ये सब चलता रहा तो इसका भारत में गहरा असर देखने को मिल सकता है, यानी कि भारत के अंदर बांग्लादेशी लोगों के लिए नफरत बढ़ेगी। चौतरफा जिस तरह से बांग्लादेश के ऊपर हमला हो रहा है, फिर चाहे भारत की अपोजिशन पार्टी अमेरिका या यूनाइटेड नेशन ही क्यों ना हो, इसको देखते हुए मोहम्मद यूनिस के ऊपर भी दबाव काफी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर हिंदू संगठनों के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन अब किया जा रहा है, जिसको देखते हुए मोहम्मद यूनिस कल हिंदू मंदिरों का दौरा भी करने पहुंचे थे और हिंदुओं को कई बड़े बड़े दावे भी किए थे। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या बांग्लादेश में स्थिति बेहतर होती है या फिर नहीं। इन सभी अपडेट के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है। हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि किस तरह से स्पेनिश पायलट ने भारत के तेजस फाइटर जेट को उड़ाकर देखा और वह उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस दिखाई दिए, क्योंकि हाल ही में भारत के तेजस ने यूरो फाइटर टाइफून और राफेल फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करके दिखाया था। वहीं पर अब फ्रांस के पायलट भी भारत के तेजस फाइटर जेट से काफी इम्प्रेस दिखाई दे रहे हैं। आप बकायदा स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें फ्रांस के पायलट की तस्वीर भी आपको दिखाई दे रही होगी, जिन्होंने भारत के झंडे वाली यूनिफॉर्म पहन रखी है। ये एक्सरसाइज जो इस समय भारत के अंदर चल रही है, ये भारत की डिफेंस क्षमताओं को बढ़ाने में काफी मदद करने वाली है। साथ ही इन सभी देशों से जो कि इस मल्टीनेशन वॉर एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए आए हैं, भारत का कोऑर्डिनेशन मिलके इनके साथ काफी मजबूत होगा। साथ ही जिस तरह से स्पेन या फिर फ्रांस के पायलटों की तरफ से तेजस को उड़ाकर देखा गया और इसकी तारीफ की गई, ये दिखाता है कि ये फाइटर जेट कितना भरोसेमंद है और इससे दुनिया के बाकी देश जो कि हल्के फाइटर जेट को खरीदना चाहते हैं, वे भी इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर पाकिस्तान के द्वारा दी गई एक बड़ी धमकी को लेकर है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर उनके देश पर किसी भी तरह का हमला होता है तो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई दूर तक जाएगी। हमारे खिलाफ चाहे जो भी बहुराष्ट्रीय और बहुआयामी खतरा हो, हम एकजुट और आश्वस्त है। पारंपरिक और गैर पारंपरिक गतिशील या सक्रिय हमारे खिलाफ युद्ध का जो भी तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, हमारी जवाबी कार्रवाई तुरंत और दर्दनाक होगी। हम निश्चित रूप से दूर तक और गहराई से हमला करेंगे। दरअसल आसिम मुनीर ने आजादी परेड को संबोधित करते हुए ये बात कही। पाकिस्तान बनने के 77 साल पूरे होने की परेड रविवार देर रात काकुल में पाकिस्तानी सैन्य अकादमी में आयोजित की गई थी। माना जा रहा है कि ये धमकी सेना प्रमुख अपने तीन पड़ोसियों भारत, अफगानिस्तान और ईरान को दे रहे हैं, क्योंकि तीनों के साथ ही पाकिस्तान का विवाद है। इसमें भी खास तौर से उनकी धमकी भारत के लिए है। मुनीर ने आगे कहा, हम जानते हैं कि आजादी मुफ्त नहीं है और इसके लिए कई बहादुर बेटे बेटियां हमेशा अपनी जान के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि पाकिस्तान के लोग और उसके सुरक्षा बल कभी पीछे नहीं हटेंगे और किसी को भी देश पर बुरी नजर डालने नहीं देंगे। दोस्तों कुछ भी कहो, पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस की यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी। चार बार युद्ध हारने के बाद भी इस तरह का कॉन्फिडेंस आसान नहीं है और मैं ये पर्सनली मानता भी हूँ और एक्सेप्ट भी करता हूँ कि जुबान से लड़ने वाली लड़ाई में पाकिस्तान हमसे कहीं आगे है, फिर चाहे वह युद्ध का मैदान हो या फिर क्रिकेट का मैदान। लेकिन जहाँ असली लड़ाई की बात आती है तो वहाँ 93,000 सैनिक इनके सरेंडर कर जाते हैं और यही हाल खेल का भी है। बहरहाल पाकिस्तान की धमकी के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।